अपने सतगुरु से अपने गुरु से रोज विनम्र प्रार्थना कर ली जाए, हम पर दया हो जाए, हमारे कर्म कर दिए कर जाए। सबसे बड़ी चीज है कर्म कर जाए। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल राखा। हमने जन्म जन्मांतर पीछे क्या किया, या जब सतगुरु मिले उससे पहले हमने क्या गलती किया है, उसकी माफी हो जाए, या किसी न किसी तरह से निपटारा हो जाए।
तो सतगुरु से बराबर प्रार्थना आराधना करते रहते हैं और विनती करते रहते हैं कि हमारे ये पापों की गठरी जो है वो खत्म हो जाए, खिसक जाए। जब पापों की गठरी उतर जाएगी तो पुण्य ही पुण्य रहेगा, पाप रहेगा नहीं, तो हमारा भी काम बन जाएगा, स्वर्ग में जगह मिल जाएगा। जब पुण्य होगा तो स्वर्ग में जाएंगे, पाप होगा तो नरक में जाएंगे। तो प्रेमियों, प्रभु कहते हैं और प्रभु से तुमने कॉल करार किया है कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तक भजन कर अब दिन। तो आपने कॉल करार किया है, गर्व भजन कब करना है अब करना है, तो आप भजन करो सुबह और शाम, सुबह शाम भजन करो, मनन करो, पूजन करो। और ये नहीं कि 2400 घंटे लगे रहो, जब खेती दुकान दफ्तर है आपका तो खेती दुकान दफ्तर का भी काम, सुबह घंटे शाम उस प्रभु का भजन भी करो, लेकिन सच्चे मन से करो। अब तुम घाट पर बैठो, मन लगाओ कि हम राम जी का दर्शन करेंगे, ये राम जी ऐसे है, राम जी ऐसे, राम जी ऐसे, राम जी, एक ना एक दिन राम जी के दर्शन हो जाएंगे। पर आप ये सोचते हो कि पता नहीं हो कि ना हो। गुरु महाराज ने कहा है, गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। पहले गुरु का ध्यान कर कि गुरु महाराज हमारे किस तरह की इसमें मिलेंगे, फिर कैसे कार्य होगा, कैसे नहीं होगा, हमारा क्या होगा, किस तरह की दया कृपा बढ़तेगी नहीं बढ़तेगी। अरे संकल्प विकल्प तो करो कि तुम्हें मेरे गुरु महाराज हमको मिलेंगे, दिखाई सुनाई पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि दिखाई सुनाई पड़ेगा ही नहीं, क्या कभी ने भगवान ने किसी को देखा है, या भगवान को किसी ने देखा है? तो भगवान को इंसान ही देखता है और इंसान को भगवान देखता है। चार चार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, हर जगह कण कण में भगवान व्याप्त है, हर जगह उसकी बैठक है, हर जगह उसकी दया कृपा बरसती रहती है। लेकिन तुम लेना चाहता तो तुम्हें मिलेगा। तो प्रेमियों, ये देश है, इस देश में आए समरस संत सदगुरु मिल गए, नामदान मिला, अब हमें लगन से सुमिरन ध्यान भजन करना। सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो मुक्ति मोक्ष परम पद प्राप्त हो सकता है। पर जिनका गुरु के जीते जी और उनके जीते जी जिनका बन गया, तो उनका काम बन गया, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। जिसको जीते जी जो कुछ मिला वो मिल गया, अब मरने के बाद क्या पता, उधर तो कोई देखने जाता नहीं, उधर तो सदगुरु और सुरत, स्वामी और सुरत ही देखेंगे। स्वामी देखेंगे कि ये सुरत कहाँ जा रहे हैं, स्वामी की दया कृपा पर आप आधारित। स्वामी चाहें कि इसको इधर रखना है तो उधर रखेंगे, इधर रखना है तो इधर रखेंगे, बिना स्वामी के कुछ भी होने वाला नहीं है, बिना प्रभु के कुछ नहीं होने। तो आप प्रभु जी के हैं, प्रभु जी तुम्हारे हैं, जब प्रभु में लगन लगाओगे और मगन हो जाओगे सच्चाई के साथ में करोगे पूजन वंदना आराधना, तो बनेगी क्यों? अगर रोज नीम पे पानी डालो, माता जी को याद करो, तो एक ना एक दिन कोई ना कोई माता उस पे आ ही जाती है। तो प्रेमियों, नीम का पेड़ माता जी का पेड़ कि माता जी का इस पे निवास है। पीपल का पेड़ कहते हैं इसमें तो 1000 पत्ते हो जाएंगे तो देवी देवताओं का निवास हो जाएगा।
वो भी पूजनी। तो सब चीज तो हिंदू रीति रिवाज में पूजनी है और रोज दिवाली है, रोज ही रोज कोई ना कोई व्रत या कोई ना कोई पूजा। पर प्रेमियों अपने मन मंदिर की पूजा सबसे ऊंची पूजा। इस मन मंदिर में जब आप पूजा करोगे और वो पूजा आपका मन स्वीकार करे कि हमने जो है किया, मन ये कहे कि हमने सच्चे मन से ये किया है, तब स्वामी जी महाराज से नाम दान मिलने के बाद या तुम्हें सतगुरु जय गुरुदेव नाम बताया गया है, तुम सतगुरु जय गुरुदेव नाम भज रहे हो तो लगन के साथ सुबह शाम भजो। ये नहीं कि आज सतगुरु जय गुरुदेव बाबा जी महाराज जी अरे भैया जी फोन करके कहा हमको ये दुख तकलीफ है दया कर देते ये ठीक हो जाता, गुरु महाराज से कह देते ठीक हो जाता, हम 10 दिन भजन करेंगे, 10 दिन के बाद गए नहीं बंद। जब 11वें दिन बंद हो जाएगा तो 12वें दिन दया भी बंद हो जाएगी। प्रेमियों मंदिर में भगवान के रोज जाया जाए। ये मनुष्य रूपी मानव पोल उस प्रभु का बनाया हुआ मंदिर, इसमें प्रभु निवास करते हैं। इसमें कई कुंडलियां हैं, कई चक्र हैं। इन चक्रों पे भगवान जी की बैठक, तरह तरह के भगवान जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी बैठी, आद्या महाशक्ति शिव शक्ति बैठे हैं। इसमें तमाम ब्रह्मांड है, जैसे कहते हैं प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, तो ब्रह्म पर आप जब जाएंगे तो पार ब्रह्म का प्रति ब्रह्मांड में राम का अवतार है, जगह जगह राम का अवतार है, जगह जगह राम है और हर तरफ राम। देखो जब अयोध्या में प्रभु राम जी लंकापुरी से लौट करके आए तो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, तैसी जिसकी जैसी भावना थी वैसे वो सबसे मिल गए एक साथ ही, नहीं तो कितने लोग थे और कब तक मिलते कुछ पता नहीं था। एक साथ ही सबको लपेट दिया तो प्रभु थी, आप प्रभु के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश हैं, आप एक जीव और इस मनुष्य रूपी मानव पोल में आए हैं, किस तरह किस लिए भजन करने के, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही में जही पर लोग समा, ये साधना का धाम है, मोक्ष का इसमें दरवाजा है, इसको पाने के बाद ही आपने अपना परलोक नहीं संवारा तो कुछ भी नहीं कर सकता, फिर उसी 84 में जाना पड़ेगा, 484 लक्ष्यों लाखों। तो प्रेमियों अगर आप सच्चे मन से भजन करते रहोगे और सत्संग जल मिलता है। अब ये नहीं कि भैया जी आए हैं तो सुना दिया, अरे भैया जी को फोन करो कि भैया जी अब हमको सत्संग सुनना आ जाओ, तो भैया जी आ जाए, भैया जी अपने मन से प्रधान जी आ रहे हैं, प्रधान हाँ आओ भैया, और प्रधान जी किसी दिन कहते नहीं कि हाँ भैया जी आओ, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। और प्रधान जी के यहाँ सत्संग होगा बाकी किसी के यहाँ होगा नहीं, तो इसलिए रखो कि आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ कल उनके यहाँ, कम से कम हिल जाए तबियत खुश हो जाए तरह तरह। और इसमें कुछ खर्चा लगता नहीं, भैया जी रोटी दाल चावल सब्जी खाते हैं, कोई उस तरह का खाते नहीं भी नहीं कि फल फ्रूट और मर्च मिठाई और बढ़िया जो है टाप टूप वाला इलायची दाना प्रसाद, कोई भंडारा भी नहीं करवाते और जो करना चाहे उसे मना भी नहीं करते। तो प्रेमियों सत्संग अगर रोज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। दो शब्द उस मालिक के कोई भी सुना दे बहुत अच्छी बात है, तो उस प्रभु की दया हो। सीतालमन प्रभु ताई पावे सीन।
शीतल शुद्ध मन, पवित्र मन, पवित्रता से सच्चे मन से जो प्रभु को रिझाता है, हे प्रभु हम पर दया करना, हे प्रभु हम पर कृपा करना, हे मालिक हम पर दया करना, हे स्वामी हम पर दया करना, उस पर दया हो जाती है। और क्या, हे मालिक दया कर दो, तुम्हारा हम ये काम करेंगे तो हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, 5.25 शेर लड्डू चढ़ाएंगे। कह दो हे प्रभु दया करो, जो कुछ होगा जब कभी हम आप बुलाएंगे तो आपके दर्शन को आएंगे तो जो दाना चुटकी होगी वो जो दिया होगा उसमें से आपके लिए भी लाएंगे। हम ये नहीं देंगे, ये करेंगे वो नहीं करेंगे, ये हम कुछ नहीं जानते, जो आप करवाएंगे वो करेंगे। तो प्रेमियों ये सच्चा का ये जीव जीव गगन में चले बेचारा, जीव गगन में चले बेचारा, जब सतगुरु का मिले सहारा, जब सतगुरु का मिले सहारा। ये जीव कब चलता है? तब तक आप कुछ नहीं, जब तक सतगुरु नहीं मिलता। जब सतगुरु मिल जाता है और नाम भेद आपको प्राप्त हो जाता है, जब वो नाम भेद दे देता है और आप लगन में मगन होंगे, तब ये बेचारा हो, ये बेचारा फिर चलता। जब चलता उधर बताया है, उधर ये धाम है, इधर ये धाम, इधर स्वर्ग धाम, इधर बैकुंठ धाम, इधर सत्य धाम, इधर ये धाम, अर्थ धाम, इधर पवित्र धाम, ये धाम वो धाम, तीन लोक 14 भवन, ये है वो है, मतलब सब कथनी गुन्नी चार धाम। तो प्रभु जी ने बताया है, गुरु जी ने बताया है, तो गुरु जी ने बताया है तो आज नहीं तो कल, आज एक देखेंगे तो कल दो देखेंगे जरूर। तो प्रेमियों जब एक देखा है तो दूसरा देखेंगे जरूर। तो इसी तरह वो लगन लगी रहती है, तो इस त्रिलोक में जाने की इच्छा होती है। सतगुरु भेद त्रिलोकी दीना, सतगुरु भेद त्रिलोकी दीना, ब्रह्मा विष्णु महेश को चीना, ब्रह्मा विष्णु महेश को चीना। जब सतगुरु जी ने बताया, और ये तो कहते तीन मुख वाले ब्रह्मा जी, ये चार हाथ वाले विष्णु जी, और ये शंकर भगवान नाग वाले शंकर भगवान, ये पार्वती जी, ये लक्ष्मी जी, ये सरस्वती जी, ये है पंडित जी महाराज आए और उन्होंने बताया कि देखो भगवान जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, लेकिन सदगुरु ने पूरे भेद को खोल कर ब्रह्मपुरी जाओगे ब्रह्मा जी के दर्शन, सरस्वती के दर्शन होंगे। ओम ब्रह्मणे नमः, ये नहीं कहना है, ब्रह्मा जी को अंदर में याद करो, अंदर अंदर श्वास स्वर पे, जो स्वर वाला प्रभु है उस स्वर पे मिले, और सारे प्रभु तुमको स्वर पे ही मिलेंगे, श्वास पे। श्वास पे एक होता है वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक, और एक स्वर पे होता है, स्वर पे, जो स्वर पे चलने लगता है सर 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 मनुष्य को भजता है, जबान नहीं हिलती है, एहसास यहाँ दिव्य दृष्टि में होता है, ज्ञान चक्षु में होता है, और मन को यहाँ पता चलता है कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये ब्रह्मा जी का देश है, तो ये विष्णु जी का देश है, ये महेश जी का देश है, और उसमें जाते हैं अच्छे से सब देखते हैं, इंद्र भगवान का है, ये चंद्र भगवान का है, सूर्य भगवान का है, बहुत से भगवान है, ये गंधर्व लोक है, ये नाक लोक है, ये लोक है, वो लोक है, ब्रह्म लोक है, तो सब लोगों को देखते हैं। पर सतगुरु बताता है, नाम देता है, सतगुरु देव नाम रसाई, सतगुरु देव नाम रसाई, नाम जड़ी
बीमारी देता है, एक औषधि देता है, नाम। वो शब्द की नाम की एक औषधि होती है, उसकी रगड़ाई होती है, उसी का चंदन उसी का तिलक लगाया जाता है, उसी से जो है अंजन जो लगाया जाता है, अंजन। वो स्वामी जी ने लिखा है कि अंजन लगा, अंजन लगाने से घटपट ये आंख खुलेगी, पर ये आंख यहाँ अंजन लगाओगे तो अच्छा होगा बाहर वाली में, पर अंदर की आंख वाले का अंजन जो है वो नाम नाम जड़, उससे उसमें अंजन लगेगा तब वो आंख खुलेगी। जब वो आंख खुलेगी तो उसको दिव्य दृष्टि शून्यत्र ज्ञान चक्षु कहते हैं, उस ज्ञान चक्षु शून्यत्र दिव्य दृष्टि से तुम ब्रह्मा जी को देखोगे, विष्णु जी को देखोगे, शंकर भगवान को देखोगे और भी ऊपर बहुत सी चीजों को देखोगे। पर प्रथम करो गुरु भक्ति जाई, प्रथम करो गुरु भक्ति जाई, फिर शिव शक्ति माता गाई, फिर शिव शक्ति माता गाई। प्रथम सबसे पहले तो तुम गुरु की भक्ति करो, जैसे किसी संत के दरबार में गए तो उससे लगन लगाओ, प्रेम लगाओ, प्रेम करो, प्रेम से ही सब कुछ मिलेगा, प्रेम करो कि प्रेम से ये चीज मिलेगी, उनके चरणों में जाओ, ओत पोत्र हो जाओ कि महाराज जी हम पर दया कर दीजिए, नाम दे दीजिए, प्रभु जी से मिलवा दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो जब प्रभु जी से मिल जाओगे तो प्रभु जी के खजाने में गए तो सब कुछ मिल गया। अब आप बाबा जी के पास महाराज जी के पास जा रहे हैं, 551 देंगे, 5051 उनसे निकाल लेंगे, इधर से देंगे उधर से 5051 लेंगे। हे महाराज जी हमारे बड़े भाग्य आप आए, थोड़ा दया कर दीजिए, ये हमारा एक मंदिर जो जरा दो मंदिर हो जाए, घर को सुरक्षित कर दीजिए, कोई चीज हमारे घर में आने ना पापा। वो भगवान जी रोज आएगा, भगवान जी रोज आपके घर में भोजन प्रसाद की व्यवस्था, हर व्यवस्था को भगवान जी ही करते, प्रभु जी ही करते, हम आप हाथ पैर चलाते हैं। अगर ये हाथ पैर चलाते हैं और इसमें जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो ईश्वर का अंश बैठा हुआ है वो निकल जाए तो क्या हाथ पैर डोलेगा? नहीं डोलेगा। तो प्रेमियों जैसे हम हाथ पैर चलाते हैं वैसे गेहूं है एक तत्व का, उसमें भी जीवात्मा है, चावल है उसमें भी जीवात्मा है, चना है उसमें भी जीवात्मा है, सब चीज में जीवात्मा है, वो स्थावर है क्योंकि वो अंकुरित होता है, बढ़ता है और फलता है फूलता है, आप भी फलते फूलते हैं, सबका कर्म एक ही जैसा है लेकिन तत्व एक है, ये तत्व है, इसलिए उसमें पाप कम लगता है, थोड़ा सा पुण्य दान क्षमा ज्ञान ये सब करो उसी से जीव का ही आहार हो रहा है, लेकिन वो शाकाहारी अंडा मांस मछली मुर्गा ये नहीं, और कोई भी धर्म अंडा मांस मछली मुर्गा खाने को नहीं कहता, सब धर्म कहते शाकाहारी बनो, किसी की जीव की हत्या मत करो, किसी का मांस मत खाओ, सूखे गीले फल मेवे दूध की सब्जी अनाज खाओ जो प्रभु ने तुम्हारे लिए बनाया है। तो प्रेमियों ये शीतलता कब आएगी? जब सतगुरु के चरण में जाओगे, गुरु के चरण में जाओगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोई, गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोई, पवन रूप संतन संग होई, पवन रूप संतन संग होई, बिना गुरु के कोई ज्ञान उपजने वाला नहीं, कोई जानकारी होगी नहीं, पंडित जी गुरु, माता पिता गुरु, स्कूल वाले गुरु, अध्यात्म वाले गुरु, त्रिलोक वाले गुरु, ब्रह्मलोक वाले गुरु, हर जगह तो गुरु है कि नहीं, हर जगह गुरु, बिना उसके नहीं। और गुरु ही कौन?
अब कौन सुध हनुमान को मान लो या कौन की बात समझ लो, गुरु ही बताएगा ऐसे इस तरह से होगा। बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। कोई भी मार्गदर्शन कोई भी करवाता है तो एक प्रकार का वो गुरु होता है, कोई भी मार्ग। तो प्रेमियों ये ज्ञान की कुंजी है, ज्ञान की कुंजी में बहुत कुछ मिलता। धन्य भाग है माता रानी, धन्य भाग है माता रानी, जिनकी शक्ति है बिकरानी, जिनकी शक्ति है बिकरानी, बड़ी भाग्य और बड़ी दयावान है हमारी महामाई आद्या महाशक्ति अष्टांगी देवी। आद्या महाशक्ति बड़ी ही दयालु पवित्र हमारी देवी माँ है, और इधर शक्ति माँ शक्ति बड़ी ही दयालु और कृपालु है, जिनकी शक्ति हमारे अंदर काम करती। अगर शरीर में शक्ति ना हो तो क्या शरीर काम करेगा? तो शिव और शक्ति इसके अंदर विराजमान, जिससे शरीर काम करता है, शरीर में हरकत होती है, तो उस महामाई की कृपा है। और एक माई ने इस शरीर को बलवान करने के लिए दूध पिलाया है, गाय भी माता है उसने भी दूध पिलाया और माता ने दूध पिलाया, वो तो माता है ही। तो शक्ति किससे मिली? माता से। तो जगत विधाता सतगुरु नामी, जगत विधाता सतगुरु नामी, उनके चरणन में परनामी, उनके चरणन में परनामी। जगत के विधाता सतगुरु नामी, जो भेद बताता हूं, अभी हमने भगवान जी को नहीं देखा, अभी हमने गुरु जी को देखा, अपने सतगुरु को देखा, उन्होंने बताया कि वहां ये है, यहाँ ये है, ये राम जी है, ये लक्ष्मण जी है, कृष्ण भगवान है, ये भगवान है, ये देवी मैया है, ये है। सारी चीजों को हमारे गुरु महाराज ने बताया, तब हमें पता था। उससे पहले हमें इसका पता नहीं था कि कहाँ पर क्या है। अब बताओ प्रेमियों, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है। अब हम किन किन की पूजा कर पाए? समस्त देवी देवताओं को अर्पण, सहानी अर्पण, हम समस्त देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। ये आप लीजिए, ये आपका, आप सब लोग अपना अपना हिस्सा ले लीजिए। अब हम कहते हैं इधर से जो माताएं हैं, जो आगे हैं वो तो हैं, और जो पीछे हैं उनका भी। तो प्रेमियों, सदगुरु ने जब नाम दान दे दिया, सूरत चले जब गगन मझारा, सूरत चले जब गगन मझारा, इस त्रिलोक का देखे पसारा, इस त्रिलोक का देखे पसारा। सभी संतों ने, सभी ने बताया, गोस्वामी ने, नानक ने, दादू ने, दरिया ने, भीखा ने, पलटू ने, कबीर ने, सब ने गागा करके बताया। और जितने संत आए, जब छोटी संगत रही तो उन्होंने बैठा बैठा करके अंगूठा रख करके संतों ने, अपने गुरु महाराज ने, अभी पुराने नामदानी होंगे उनसे पूछ सकते हो कि गुरु महाराज अंगूठा मुली रख करके अनुभव करवा दिया। तो देखो यहाँ पर ज्ञान चक्षु है, दृष्टि है, मन को रोको और यहाँ पर दिखा है, ध्यान लगाओ तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा। उंगली रखते थे, होता था अनुभव, होता था। वरना स्वामी जी महाराज लालटेन लेकर के गांव में जाते, इतनी संगत कैसे जुड़ती? जब उनको कुछ दिखाई, पहले कुछ दिखाई सुनाई पड़े तभी तो जुड़ेगा, और जब दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा तो कौन ढूंढने वाला बनारस में? एक से एक खखा और बनारस महात्माओं की जगह, बाबाओं का अखाड़ा, और प्रभु काशी विश्वनाथ की नगरी, शंकर भोले महाराज की
गंगा जी के किनारे बसी काशी नगरी जिसको कोट-कोट प्रणाम। तो प्रेमियों क्या वो मानते, लेकिन नहीं, उनको अनुभव कर बैठाया और उनको दिखाया कि देखो उधर भी कुछ है, प्रभु जी उधर हैं, इधर प्रभु जी का स्वरूप है, लेकिन प्रभु जी वहां दिखाया। पर प्रेमियों अब तो ऐसा होता नहीं, केवल सतगुरु जी मंदिर धाम बड़ेला में बताया जाता है कि अनुभव होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। लेकिन अगर दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, किस बात का नामदान और किस बात के तुम नामदानी, किस बात के तुम गुरु भाई और किस बात के गुरु बहन और किस प्रकार के तुम्हारे गुरु। गुरु तो उसको कहते हैं जिसने नामदान दिया तो उसने भेद बताया तो अनुभव भी करवाया। नहीं हो रहा गुरु है या कहीं गया है, किसी को सौंप गया है कि ये अनुभव करवाएंगे, उसके पास जाओ तुम्हें अनुभव होगा, तुम्हें जाने की जरूरत है। अनुभव हो रहा है तो वहां जाने की जरूरत है। और आप उसको देखो जाकर के अनुभव होता है तो उधर, अब उधर का इस त्रिलोक में उधर का मई का भी देखा, अब प्रभु का, प्रभु राम पहुंचे दरबारा, प्रभु राम पहुंचे दरबारा, मंगल कुसुम छेम यही पारा, मंगल कुसुम सेम यही पारा। यहां से पहुंचे तो देखा प्रभु जी बड़ा मंगल, बड़ा कुशल, बड़ा शीतल, बड़ा सौम, और इतना अद्भुत, इतना उत्तम कि पूछो। प्रभु जी भी खुश, हम भी खुश, और प्रभु जी के हम दर्शन कर रहे। अब प्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु जी खुश हैं, हम भी खुश हैं, हमको देख करके प्रभु जी खुश हैं, हम प्रभु जी को देख करके खुश हैं। अगर हम प्रभु जी को देख करके, क्योंकि अभी बहुत दिन बाद प्रभु जी को देखा है, जब आप प्रभु जी को जाओगे देखोगे तो अपने आप तुमको होश आ जाएगा, अरे हमने प्रभु जी को तो पहले देखा था पर हमें ज्ञान ही नहीं, अगर सदगुरु नहीं मिलते तो प्रभु जी से मुलाकात नहीं होती। तो प्रेमियों प्रभु जी से मुलाकात होगी किसके द्वारा, हमारे सदगुरु के द्वारा। तो संतों के द्वारा सब कुछ हो सकता है, संतों की महिमा अजब निराली है। तो प्रेमियों प्रभु जी को देखा, प्रभु राम देते एक तारा, प्रभु राम देते एक तारा, वही भी पार है और पसारा, वही भी पार है और पसारा। प्रभु राम बतलाते हैं इधर तुमने देखा, रास्ता दे दिया जाओ, उस पर भी और पसारा और। अब जब तुम जाना चाहते हो हेलो तो और भी, हाँ भैया, और उधर और प्रभु का दर्शन होगा, हमारी तरफ से दरवाजा खुला है, आप जा सकते। रखा जाते चले गगन में सूरत पसारी, चले गगन में सूरत पसारी, सतगुरु दया के पापर धारी, सतगुरु दया के पापर धारी। उस गगन में वो चलती उधर खुल जाती और सतगुरु के नाम रूपी पर उसके साथ लगी, वही सतगुरु का नाम, चलो आगे बढ़ते, सतगुरु की आवाज बराबर आ रही है शब्द स्वरूपी गुरु की, जो शब्द स्वरूपी गुरु है उसकी आवाज आ रही है, तब वो जीव बढ़ता चला जा रहा है। अब शब्द स्वरूपी गुरु बढ़ता चला जा रहा है और जीव भी उसी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। जीव को क्या मालूम कि क्या कहा है, अगर कहीं जाना हो तो जैसे अपने इंटरनेट पे व्यवस्था है
तो आप उस पर डालो कि हमको फला जगह जाना है, तो लिख कर रास्ता हमें पा जाएगा, हल्का फुल्का गलत होगा नहीं, किसी से पूछ लोगे पहुंच जाओगे। पहले तो लोग पूछते 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 पूछते, और यहाँ तुम्हें गुरु ले जा रहा है, तुम्हें किसी से पूछना नहीं, चले तो बढ़ जाओ, धैर्य करो, माए करो। अंदर भी गुरु बोलता, बाहर भी गुरु बोलता, तो अंदर में जब वो बोल नहीं तब आप पढ़ रहे। बढ़े ब्रह्म पद है या भारी, बढ़े ब्रह्म पद है या भारी, बाजत देख ढोल नगारी, बाजत देख ढोल नगारी। उधर अब जा ब्रह्म पद, उधर बाजा भी बज रहा है, नगाड़ा बज रहा, ढोल बज रहा। अब उसे लग रहा है नगाड़ा बज रहा है कि ढोल बज रहा, ढोल नगारी बज रही, पर बज तो वहां एक ही चाह रहा, दम 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 बज रहा है, पर अब उसको किस किस प्रकार से सुनाई दे रहा वही उसको आनंद आ रहा। गर 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 बिर बादल गरजे, गर 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 बादल गरजे, चम 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 बिजली चमके, चम 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 बिजली चमके। वहाँ बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, और वो मृदंग बज रहा है, बादलों की गरज और मृदंग सब बज रहा है, और उधर वो जा रहा है। अब धीरे 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 पहुंचता है लाल मुकाम सतगुरु बैठक, लाल मुकाम सतगुरु बैठक, सूरत पहुंच गए सतगुरु ढिग में, सूरत पहुंच गए सतगुरु ढिग में। देखो लाल मुकाम, लाल देश, और सतगुरु के यहां बैठक है, सतगुरु के पास ये सूरत पहुंच गई। अब वहां वो बैठे हुए हैं, अब इधर शब्द स्वरूप भी थे और उधर पूरे रूप में बैठे हुए, अब ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं और वहां वो पहुंचे, और पहुंच करके गुरु की आराधना वंदना कर रहे हैं, प्रभु आपकी दया से हम यहाँ पहुंचे आए, रास्ते में बादल वगैरह बज रहा था, ये बज रहा था, लाल लाल देखा है, और अभी जो कुछ बताएंगे आप वो भी देखें। तो प्रेमियो उन्होंने लाल लाल देखा, उन्होंने दिखाया तो देखा, तो उनकी दया से लाल लाल देखा। बहत त्रिवेणी करय स्नाना, बहत त्रिवेणी करय स्नाना, पहुँचे जा पर लाल मुकामा, पहुँचे जा पर लाल मुकामा। अब त्रिवेणी बह रही है, ये प्रयागराज वाली, ऊपर भी प्रयागराज वाली त्रिवेणी बह रही है, पर बालू धूल धूल कण मिट्टी कुछ भी नहीं, तो वहां बह रही है, तो बहने के साथ उसमें स्नान किया, स्नान करने के बाद ब्रह्म की पदवी प्राप्त हो गई, और सीधे ब्रह्म है, ब्रह्म के दर्शन हो रहे, इतने बड़े ब्रह्म है कि उनका कोई नाप तौल। गोस्वामी जी ने कहा कि किस मुख से उधर का वर्णन करूं, कुछ वर्णन कहने सुनने में नहीं आता। उन्होंने उधर का बताया, उधर मान तब अंडर जराया, देखो वह ब्रह्मांड जराया, और किस प्रकार से हम इसका वर्णन करें वो हमारे कहने सुनने में नहीं आता। तो जब हमारे कहने सुनने में नहीं आता तो बहुत बड़ा कोई नाप तौल नहीं। और ऐसे भी महात्मा आए हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने बताया भी कि इतने परंकाए, इतने परंकाए, इतने परंकाए, इतने परंकाए, पर ये परम परम जान करके आप करोगे क्या? आपको तो आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिरने से मतलब नहीं। संतों ने सोचा कि ये शॉर्टकट रास्ता बताया जाए,
स्वामी जी ने महाराज ने तो बिल्कुल सार्थक किया, उसके पहले और कठिन था और अब तो और सरल किया, अब तो और सरल कर दिया है। सतगुरु जय गुरुदेव की आत्मारा करो और सच्चे मन से लगन से ध्यान लगाओ और प्रभु जी के दर्शन। तो प्रेमियों जब करोगे नहीं तो दर्शन मिलेगा नहीं। तो उधर अब लाल देश प्रभु को देखा और जब प्रभु को देखा तो गुरु महाराज ने कहा उधर चलिए। उधर चली जा घूमे बयारी, उधर चली जा घूमे बयारी, मान सरोवर की गत न्यारी, मान सरोवर की गत न्यारी। उधर को चली जिधर मान सरोवर जिसकी गति न्यारी और जहां सुगंधित बयार चलती है, सुगंधित हवा आ रही है, उधर जा रहा है। त्रिमकत्वीन मुख मंडल राजे और वहां जो है चंदा तारा, चंद्रमा जैसा स्वरूप है उस प्रभु के देश में और उधर के लिए स्वर्ग की आत्मा चल रही है। पर इधर से जाएगी तो मानसरोवर में दर्शन करेगी और मानसरोवर में दर्शन करेगी मानसरोवर का और मानसरोवर में स्नान भी करे। जब स्नान करेगी तभी वो इन चीजों से पृथक पाएगी। कहते कर्म दी बीज अब दिया जलाई, ऊपर को अब सूरत चढ़ाए, अब ऊपर को सूरत चढ़ाए। अभी तो धाम जो चढ़ के गए हो इसमें कर्म बंधन था, अब वहां अपने स्नान कर लिया तो कर्म बंधन खत्म हो गई, कर्म भी सब जल गए, अब तुम्हें आगे चलना है। पर यहाँ संचित कर रोज शरीर चलने के लिए और किसी का लिया दिया का शरीर में आता जाता है, वो आता है जाता है, सुमिरन करने से खत्म हो जाता है। तो प्रेमियों आप लोगों से करवट प्रार्थना है कि आप लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो। अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, इसलिए सुमिरन ध्यान भजन करो। और जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे सच्ची दया कृपा करेगी, सच्ची प्रभु की दया होगी, तुम्हें अनुभव अनुभूति होगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अंदर में चलोगे तो उधर चंदा तारा पार ब्रह्म के दर्शन भी और धब झूला झूला स्वामी की जो सतगुरु होते हैं उनकी आरती, वहां उनकी आरती होती है। पर आपके साथ में रहते तो तुम्हें लगता है कि हमारी आरती हो रही है। सतगुरु कहते भी हैं कि वहां की सुरतें यहाँ की सूरत जब जाती है तो बड़ा भगत उस सूरत की होती है। तो भाई जैसे आप पवनाई में गए तो आप भगत हो गए के लिए, और या बहुत दिन के बाद अपने घर वापस पहुंचे हैं तब भी आप भगत होगी। तो ये चीज है, उधर नीलगिरी से होते हुए ये सूरत महाकाल पुरुष के धाम में पहुंचती है। महाकाल पुरुष के धाम में कुछ दिन भजन करने के बाद सतलोक धाम सतगुरु के साथ पहुंच जाते हैं, जहां का व्यू है वहां सतपुरुष सतगुरु पहुंचा देते हैं। तो प्रेमियों सीधी सरल बात है कि कोई ना कोई सतगुरु होता है। देखो प्रभु राम अयोध्या में जन्मे, गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा दीक्षा मिली, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद जब आए तो उधर मुनि विश्वामित्र ने अंदर से देखा कि अगर ये घर में रहेंगे तो काम जगत का कैसे हुआ, आए मांगने, मांग करके ले गए, तारका का वध हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ और उधर सीता स्वयंवर हुआ, फिर यहाँ आए वापस तो राज तिलक के साथ साथ वनवास हुआ, वनवास हुआ तो
जब वनवास में गए तो संतों की रक्षा सुरक्षा हुई, सीता हरण हुआ, रावण का मरण हुआ। उधर से आए, धर्म की स्थापना कर दी और बहुत दिनों तक रहे और अब भी उनका निवास अयोध्या में है। और यही अयोध्या, यही मनुष्य रूपी मंदिर अयोध्या है। ये मंदिर प्रभु का बनाया हुआ, इसमें प्रभु का की बैठक है, राम इसमें बैठे हैं, राम की दया कृपा उतर रही है। तो प्रेमियों, सतगुरु की वंदना और आराधना करते हुए रोज रोज स्मरण ध्यान भजन करना चाहिए। अगर करोगे तो दया कृपा बरसती रहेगी। सुख दुख तो होता है, ये तो आते जाते रहते हैं, तो जो पहलू है कभी सुख कभी दुख। तो प्रेमियों, सबको उसमें लगन लगाना चाहिए। सात गुरु जय बोले, सतगुरु पावन राम नाम है, सतगुरु पावन राम नाम है, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, दो दिन काए की मन तेरा, दो दिन काए जीवन तेरा, कर लो सरल भजनिया, कर लो सरल भजनिया, सतगुरु ने तुम्हें दो समझाया, सतगुरु ने तुम्हें जो समझाया, साची नाम भजनिया, साची नाम भजनिया, चरण वंदना कर सतगुरु की, चरण वंदना कर सतगुरु की, शीश झुका सहे गनिया, शीश झुका सहजनिया,